नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष के बदलने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, क्योंकि बीजेपी ने चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष पद पर बदलाव किया था। ऐसे में एमपी को लेकर भी सस्पेंस जारी रहा, लेकिन अब तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ जानते हैं मेरे सहयोगी सुनील से। सुनील, उस मुद्दे पर क्या कुछ तमाम जानकारी? जी श्रद्धा, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा व्यस्त है, इसी बीच लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा, उनको हटाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था कि जो पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसका जो परिणाम है उसके चलते संगठन में बदलाव किया जा सकता है और उन्हें वीडी शर्मा को हटाया जा सकता है। कल बात करें हम कल की, तो कल कोर कमेटी की बैठक थी, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि इसी बीच जो प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है उसमें बदलाव किया जा सकता है। दिन भर काफी अटकलें लगाई जाती रही, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता रहा, कैलाश विजयवर्ग का नाम आता रहा। इसी बीच हर्ष चौहान, जो एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका इस्तीफा सामने आया और कयास लगाए जाने लग गए कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इसको लेकर दिन भर काफी गहमागहमी रही भाजपा में और मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा एक मुकाम देखने को मिला कि जिस तरह से वीडी शर्मा को एक बार फिर से अभिधान दे दिया गया, तो वीडी शर्मा ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे, इसको लेकर काफ़ी कुछ गहमागहमी थी, वह खत्म हो चुकी है। तो हम बात करें वीडी शर्मा की, तो वीडी शर्मा एक संगठन के काफ़ी अच्छे संगठन करता है, इसका परिणाम उनको मिला है और लगातार वो मध्य प्रदेश में जिस तरह देख रहे हैं भाजपा के लिए अलग जो अभियान है उसके जरिए भाजपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो इसी का ही नतीजा है कि वीडी शर्मा को एक बार फिर से जो पार्टी आलाकमान है उनने अभिधान दे दिया। बात करें इस जगह प्रदेश अध्यक्ष पद की, तो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से जो बीजेपी है वह एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है और अलग अलग अभियानों के जरिए वह मैदान में दिखाई दे रही है। और जो संगठन महामंत्री है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और जिसे संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, वह भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे इसी का नतीजा है कि वीडी शर्मा को एक बार फिर से अभिधान दे दिया गया। तो बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा कि एक बार फिर से जो बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है उसमें बदलाव नहीं किया गया। सुनील, कल भोपाल में कोर कमेटी की मीटिंग हुई थी, इस बैठक में किन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, उसके अलावा जो रोडमैप है किस तरह से तैयार किया गया? जी, भाजपा लगातार मध्य प्रदेश में जो चुनावी तैयारियां उनमें व्यस्त हैं। तो बात करें कल की, तो कल जो भाजपा की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक हुई थी, तो उसको लेकर जब जो अंदर खानों से बात सामने आई उसमें हमने जिस तरह देखा कि सिंधिया को और नरेंद्र सिंह तोमर को ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं उसका जिम्मा दिया गया है। बात करें कल की, तो नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही प्लेन में साथ आए थे और वापस भी दिल्ली वो एक ही प्लेन में गए। तो ये काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण है कि कोर कमेटी की बैठक में ग्वालियर चंबल की जो सीटें हैं उन पर फोकस किया गया है, क्योंकि वहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। और जिस तरह हमने देखा कि वहां पर आम आदमी पार्टी है वह भी चुनावी शंखनाद उन्होंने भी वहीं से किया था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो राजनीति है वो एक बार फिर से ग्वालियर चंबल की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें कोर कमेटी की बैठक की, तो उसके बाद जो वीडी शर्मा का बयान आया उसमें कहा कि जुलाई के महीने में ही पार्टी जो जितनी विधानसभा स्तर है वहां पर सम्मेलन आयोजित करेगी और युवा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधानसभा स्तर पर जो भाजपा है एक बार फिर से सक्रिय दिखाई देगी। और बात करें निचले स्तर पर, तो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख जो कार्यकर्ता है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से हम देखें जिस तरह से विस्तारक है, जो अल्पकालीन विस्तारक है भाजपा के, वह मैदान में दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच विधानसभा स्तर पर हम देखेंगे कि भाजपा सम्मेलन का के जरिए जनता और मतदाता तक अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करेगी। सुनील, तो फिर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, सब कुछ हैप्पी है? जी, ऐसा हम कह सकते हैं, अंदर खानों से ये चीज़ निकल के आ रही है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जो है वह लगातार यहाँ पर सक्रिय है और वह देख रहा है जिस तरह से गुटबाजी की बात बीच में सामने आई थी तो उस पर विराम लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन हम कह दें कि सब कुछ हैप्पी है, क्योंकि टिकट वितरण होगा बीजेपी का, उसके बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। कि हम जिस तरह देख रहे हैं कई जो नेता हैं उनके कयास लगाए जा रहे हैं, वो अपनी सीट बदलना चाहते हैं। इस तरह देखा जो सिंधिया गुट है उनका भी टिकट की मांग वो भी करेगा आगामी समय में। तो टिकट वितरण का जो समय आएगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि भाजपा में कितना हैप्पी है और कितना अनहैप्पी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एमपी न्यूज में फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।